दहावी बारावी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण इयत्ता दहावीचा हिंदी जो विषय आहे म्हणजे संपूर्ण हिंदी, ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण हिंदी घेतलेला आहे, आणि संयुक्त हिंदी म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्कृत आणि हिंदी असं दोन्ही मिक्स घेतलेले आहेत, म्हणजे अर्ध संस्कृत आणि अर्ध हिंदी, अशा विषयाच्या परीक्षेची तयारी कशी करायची आहे यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या भेटीसाठी आलेले आहेत सौ मंजुषा ओस्तवाल मॅडम। मॅडम एमए बीएड असून श्री नेमिनाथ जैन विद्यालय चांदवड येथे सहाय्यक शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत। मॅडमला अध्यापनाचा एकूण 23 वर्षाचा अनुभव असून हिंदी विषय हा मॅडमचा अध्यापनाचा विषय आहे। शिवाय इयत्ता दहावीचे पेपर चेकिंग वगैरे जे आहे ते खूप वर्षापासून मॅडम करत असल्यामुळे एकूणच पेपरच्या अनुषंगाने जे काही बारकावे आहेत ते बारकावे मात्र मॅडम अगदी विद्यार्थ्यांना सखोलपणे त्याबाबत मार्गदर्शन करत असतात। शिवाय लेखनाची शैली असेल किंवा पॅटर्न असेल, विद्यार्थ्यांनी भाषेचं लेखन कसं करायचं आहे यावर उत्तुंग मार्गदर्शन मॅडम वेळोवेळी विद्यार्थ्यांना करत असतात। तर अशा आपल्या ज्या मॅडम आहेत त्यांना आपण लवकरच भेटूया की जेणेकरून आपल्याला हिंदी विषयाची परीक्षेची तयारी जी आहे ती कशी करायची आहे याबद्दल दिशा आपल्याला मिळणार आहे। नमस्ते। नमस्ते मॅडम। इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा विषयक मार्गदर्शन कार्यक्रमात मॅडम आपलं हार्दिक स्वागत। आज आपण इयत्ता दहावीच्या हिंदी विषयासंदर्भात विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरं कसं जायचं आहे याबाबत आपण मार्गदर्शन करणार आहात। मला सुरुवातीला आपल्याला असा एक प्रश्न विचारायचा आहे की इयत्ता दहावीला जे बसलेले विद्यार्थी आहेत आणि त्या अनुषंगाने आता जी काही होऊ घातलेली जी परीक्षा आहे, तर या परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये खूप काही प्रश्न आहेत, पालकांमध्ये पण प्रश्न आहे, म्हणजे खूप चिंतेची बाब वाटते पालकांमध्ये सुद्धा, आणि एकूणच शिक्षकांची सुद्धा थोडीशी त्रेधा तिरपीट होत आहे की विद्यार्थ्यांना हँडल कसं करायचं आहे किंवा परीक्षेचं मार्गदर्शन कसं करायचं आहे। परंतु थोडासा दिलासा म्हणून शासनाने काही सिलेबस जो आहे तो थोडासा कमी केलेला आहे, तर तो नेमका कशा पद्धतीने कमी केलेला आहे किंवा कोणते घटक त्यात वगळण्यात आलेले आहेत याबद्दल जरा मार्गदर्शन करा। पहिली इकाई मधला जो आहे क्रमांक 7 आणि 8 लोकवाणी मधला, आणि दुसरी इकाईला क्रमांक 4 आणि 7 हे दोन कमी केलेले आहे। अर्थात त्याच्या खालचं जे व्याकरण आहे ते मात्र परीक्षेला विचारलं जाईल, फक्त गद्य आणि पद्य जे आहे त्याचा अभ्यास करायचा नाहीये। आणि लोकभरतीसाठी जो 25% अभ्यासक्रम कमी केलेला आहे तो पहिली इकाई मधला पहिला, पाचवा आणि सातवा, आणि दुसरी इकाई मधला तिसरा आणि आठवा एवढं कमी केलेले अभ्यासक्रम आहे, पण त्याचा व्याकरणाचा अभ्यास मात्र नक्की आपल्याला करायचा आहे। बरोबर। म्हणजे एकूणच काही घटक जरी वगळलेले आहेत तरी सुद्धा व्याकरणाचा जो काही भाग आहे तो मात्र विद्यार्थ्यांनी परिपूर्णपणे करायचा आहे। बरोबर करायचं आहे। एकूणच साधारणतः स्वरूप जे आहे ते परीक्षेचं ते कसं असणार आहे मॅडम? लोकवाणीसाठी जे आहे 40 गुणांसाठी गद्य, 12 अंकासाठी पद्य के लिए जो है 8, व्याकरण 8 अंक के लिए, और रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन जो है वो है 12 अंक के लिए। इसका समय नियोजन अगर हमें करना है तो वह गद्य और पद्य 20 अंक के लिए है। इस 20 अंक के लिए 40 मिनट देने आवश्यक है, क्योंकि 2 घंटे हमें प्रश्न पत्र हल करना है तो उसके लिए 40 मिनट। व्याकरण 8 अंक के लिए है, उसके लिए बिल्कुल हम अगर 20 मिनट दें, और उपयोजित लेखन 12 अंक के लिए है, इसके लिए अगर हम पूरा मिलाकर 40 मिनट दें और जांचने के लिए 10 मिनट दे सकते हैं। इस हिसाब से हमें समय का नियोजन करना है। लोक भारती के लिए, हाँ वैसे ही लोक भारती के लिए, क्योंकि दोनों कहना चाहूंगी, लोकवाणी भी और लोक भारती। लोक भारती हिंदी स्कूल में 100 अंक के लिए, 80 अंक के लिए माफ कीजिए, तो उसमें गद्य जो है 20 अंक के लिए रहेगा, 8 अंक और 4 अंक जो है अपठित गद्य खंड के लिए का, पद्य 12 अंक के लिए, 6-6 अंक के लिए वो पद्य खंड रहेंगे, पूरक पठन 8 अंक के लिए, व्याकरण 14 अंक और रचना विभाग 26 अंक के लिए। तो बिल्कुल यहाँ 3 घंटे बैठना है, और यह जैसे हमने समय नियोजन किया है 20 अंक के लिए लगभग आधा घंटा देना है,
आगे जो 12 अंक है 12 अंक के लिए लगभग 15 मिनट से 20 मिनट तक, 14 अंक के लिए 20 मिनट तक, यह अगर हम समय का लेखा जोखा करें तो हम 3 घंटे में से 2.5 घंटे और 5-10 मिनट अच्छी तरह से लिख सकते हैं और आगे 10 मिनट हमें जांचने के लिए रहेगा, जवाब पत्र जांचने के लिए हमें समय रहेगा। एक आवश्यक होता है कि जवाब पत्र जांचने के लिए 10 मिनट बचाना यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह 10 मिनट ही हमारे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वही गलतियां है, ह्रस्व दीर्घ की गलतियां, वर्तनी की गलतियां जो होती है, तो ये 10 मिनट में हम जांच सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बरोबर, म्हणजे एकूणच विद्यार्थ्यांनी प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप जर लक्षात घेतलं तर गद्य आणि पद्य विभाग आणि मधला व्याकरणाचा भाग ह्या सगळ्या बाबींचा व्यवस्थितशीर समन्वय साधून त्याने 30 वर सॉल्व करायचं आहे। आता एकूणच हे स्वरूप जरा तुम्ही सविस्तर स्पष्ट केलं तर त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ती गाईडलाईन जरा मिळेल की साधारणतः प्रश्न प्रकार आणि त्याच्या अंतर्गत येणारे जे काही उपप्रश्न आहेत तर ते त्याबद्दल आपण मार्गदर्शन करा। विभाग एक जो है वो गद्य 12 अंक के लिए जो रहेगा उसके लिए एक गद्य खंड 6 अंक के लिए ऐसे 2 गद्य खंड पूछे जाएंगे। एक गद्य खंड 100 से 120 शब्दों तक रहेगा और 6 अंक में से 6 अंक यहाँ बिल्कुल प्राप्त हो सकते हैं हमें। 40 में से लगभग 38 से 39 अंक तक हमें यहाँ मिल सकते हैं। वो कैसे? 6 अंक के लिए भी जो है दो अंक के लिए जो है 3 प्रश्न रहेंगे। उसमें पहली जो आकलन कृति, ये जो 12 अंक के लिए जो मैं कह रही हूँ, उसमें 6 अंक में 2 अंक जो रहेंगे आकलन कृति, गद्य खंड में से ही 2 अंक के बिल्कुल आसान से प्रश्न रहेंगे। दूसरा जो प्रश्न रहेगा उसमें 5वीं से 9वीं तक जो जो व्याकरण आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, कृदन, तद्धित, तत्संबद्ध भाव, बिल्कुल आसान से 5वीं से 9वीं तक पढ़ा हुआ 2 अंक के लिए इसमें ही हमें हल करना है। वो अगर मैं संक्षेप में कह दू तो और ज्यादा आपको आसानी होगी। वो कैसे? 2 अंक के लिए अनेक अर्थों के लिए एक शब्द जैसे होता है फल, फल जैसे फल के 2 अर्थ होते हैं, खाने की चीज और परिणाम क्या है, ऐसे शब्दों को चुनना है। शब्द युग्म, समानार्थी शब्द युग्म, साधु संत, विलोमार्थी शब्द युग्म, आगे पीछे, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, चाय वाय, निरर्थक निरर्थक, अनशर्ट मैंने खा लिया, अरे गहरे, यह शब्द, तो ऐसे हमें उनमें से ही 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। और तीसरा 2 अंक के लिए जो स्वमत अभिव्यक्ति होता है वो आकलनात्मक प्रश्न होता है और इसमें जरा ही कतई डरना नहीं है। इसलिए कि जो प्रश्न वहां पूछा गया है, जो कृति हमें पूछी गई है, जैसे उपवास और हम, तो उपवास और हम में शरीर की तंदुरुस्ती के साथ साथ मन की तंदुरुस्ती, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, उपवास का आयुर्वेद में क्या महत्व है, और हिसाब से ये जो प्रश्न होता है आकलनात्मक, यह हमें सकारात्मक रूप से ही लिखना है। इसमें नकारात्मक बातें लगभग नहीं लिखनी है, सकारात्मक बातें अगर हम लिखे तो पूर्णांक बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। यह हुआ 6 अंक के लिए। अब विभाग जो होता है पद्य 8 अंक के लिए, अंक में 4-4 अंक के 2 रहेंगे। एक पद्य 4 अंक के लिए हमें हल करना है, पद्य की 6-8 पंक्तियां रहेगी और वहां पर भी अंक कम होने की गुंजाइश नहीं रहती। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि ये कृति पत्रिका जैसे ही आई है तो हम भाषा विषयों में भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहले जैसे समाजशास्त्र में या गणित में वहां ही पूर्णांक मिल सकते थे, तो यहाँ बिल्कुल 1 या 2 अंक की हमारी कटौती होगी। बाकी कृति पत्रिका में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से अंक मिलाने वाले ये नया प्रारूप हमें हमारे सामने है। 8 अंक में से मैं कहना चाह रही हूँ
चार चार अंक के लिए दोहे रह गए, उन चार अंक में दो दो अंक में आकलन कृति रहेगी, उसमें हमें दो घटक ही लिखने हैं जिसके दो अंक मिलेंगे। और यहाँ स्वमत अभिव्यक्ति नहीं, जो पद्य पूछा गया है उनमें से पहली दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए कहा जाता है, या अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, या 25-30 शब्द अपेक्षित होते हैं। भले हमें शब्द गिनने नहीं है, पर कृति पत्रिका में ध्यान रखना है कि कितना लिखा है इसे महत्व नहीं रहता, कैसे लिखा है, थोड़ा है पर कैसे लिखा है, शब्द कितने प्रभावी है, ये ज्यादा जरूरी रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें 8 में से 7 अंक प्राप्त हो सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं अगर वर्तनी की गलतियां नहीं हुई तो, क्योंकि वही से देखकर हम लिखना है। अब बाकी व्याकरण 8 अंक के लिए मैं विस्तृत रूप से कहना चाहूंगी लोकवाणी का, कि उसमें अंक का विभाजन, ये जो 8 अंक का व्याकरण का विभाजन में एक अंक मानक वर्तनी अनुसार। ये मानक वर्तनी कैसे प्रश्न आपको यह हल कर सकते हैं, अगर किताब आपने पढ़ी है तो किताब में से मान लो शब्द होता है विश्वास, तो 3 गलत शब्द रहेंगे, 1 सही शब्द रहेगा, तो सही शब्द जो है हमें पहचान कर लिखना है, मानक वर्तनी अनुसार सही शब्द लिखने, ये है 2 शब्द हमें लिखने 1 अंक के लिए। अव्यय का वाक्य में प्रयोग, ये यहाँ पर बिल्कुल आसान है कि अव्यय पहचान कर उसका अव्यय का कौन सा मैंने ये नहीं लिखना है, शब्द दिए गए हैं अव्यय के, हमें सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है, और वाक्य में प्रयोग करते वक्त हमें देखना है कि जो अव्यय का वाक्य में प्रयोग हमने किया है वहां हमें एक तो चौपन करना है या अरेखित करना है, वहां पर भी अंक की कटौती बिल्कुल नहीं होती, 1 में से अंक 1 वहां मिलता है। संधि पहचानना, ये जो प्रश्न होता है संधि पहचानना, वह कोष्ठक होता है और कोष्ठक में एक बात दी होती है और 2 बातें हमें लिखनी है, जैसे संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद, उसमें सब आनंद, मान लो ये शब्द है संधि विच्छेद का, तो संधि भेद होगा आनंद, ये शब्द क्या रहेगा, जैसे दूसरा शब्द है दुर्लभ, दुर्लभ विसर्ग संधि, इस तरह से हमें 2 बातें लिखनी होती है 1 अंक के लिए। मुहावरे का भी प्रश्न जो होता है वो 1 अंक के लिए, मुहावरे का चयन कर लिखिए, या फिर अथवा होता है उस मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चयन करना मतलब मराठी में जिसे कहते हैं निवड़ना, है ना, तो आंखें खुली रह जाना, ना वो सीखना, ये कोष्टक में मान लो प्रश्न, ये मुहावरे दिए गए हैं और वाक्य दिया है कलाकार की कला देखकर सब, और वहां पर उचित मुहावरा जो है तो चयन कर लिखना है। तो उसके लिए जो अर्थ अथवा प्रश्न होता है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो लगभग यह हल करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अर्थ में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो पूर्णांक नहीं मिल पाते। तो अच्छा यही है कि यही प्रश्न हम हल करें, मुहावरे का चयन कीजिए। फिर होता है काल के भेद पहचान कर लिखना, उसके लिए 2 प्रश्न होते हैं, 1 काल पहचानना, जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द में कहूं तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा, तो यह सामान्य भविष्य काल, तो हमें उपवेद भी लिखना जरूरी रहेगा। और दूसरा उसके लिए प्रश्न कहता है वाक्य परिवर्तन करके लिखिए, कोष्टक में वाक्य दिए जाते हैं मुझे अभिवादन का ध्यान आया, और कोष्टक में दिया है इस वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल कीजिए, तो मुझे अभिवादन का ध्यान आ रहा है, जैसे कि अपूर्ण वर्तमान काल है, रहा रही रहे का प्रयोग होता है, ये 2 अंक के लिए। और अगला अंतिम जो प्रश्न है 6ठा, वाक्य के भेद, वो 2 अंक के लिए, वहां पर वाक्य के भेद में 2 अंक में से 2 अंक यहाँ हमें मिल सकते हैं, पूर्णांक ही मिलेंगे, रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 भेद है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो साधारण वाक्य बिल्कुल कर्ता कर्म क्रिया है, साधारण वाक्य है,
सरल वाक्य उसमें और अथवा किंतु बल्कि नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय संयुक्त वाक्य में रहे। और तीसरा है वह मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसके लिए एक अंक होता है। अर्थ के आधार पर जो भेद है उसमें यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, जैसे आज्ञा दी जाती है, विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, जैसे निषेध किया जाता है, नहीं मैं यह काम नहीं करूंगी, संकेतार्थक वाक्य, शायद ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 में से 8 अंक ही हमें प्राप्त हो, इसी तरह से बिल्कुल आसान सा ये व्याकरण है। अगला जो रचना विभाग है, तो यहाँ गद्य पद्य और व्याकरण का विवेचन हमारा हुआ है। अभी उपयोजित लेखन जो 12 अंक के लिए है उसमें 10 से 11 अंक तक हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकते हैं। इसमें पत्र लेखन मैंने कहा हुआ है, पत्र लेखन दो होते हैं, एक औपचारिक पत्र लेखन उसके लिए अथवा होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। इसके लिए हमें समय लेना है 10 मिनट। लगभग 10 मिनट में ये 4 अंक का पत्र हमारा लिखना हो ही जाता है। तो इसमें हमें लगभग देखना है अनौपचारिक पत्र नहीं लिखना है क्योंकि उसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता होती है। औपचारिक में क्या होता है, जैसे कि इसको हम सोनल शर्मा राधा नगर नंदुरबार से नगर परिषद नंदुरबार को अपने परिसर में वृक्षारोपण के लिए अनुमति मांगते हुए पत्र लिखना, तो इसमें लिखना कम होता है। ईमेल का अपन बहुत जरूरी रहेगा, प्रति और प्रेषक दोनों में ईमेल होना नए पत्र के प्रारूप में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, उसके लिए अंक आप ध्यान रखो। दूसरा रोमन अंक दूसरा जो दिया है, हमें तैयारी तीनों भी विषय की करनी है, कहानी लेखन, गद्य आकलन और विज्ञापन, विज्ञापन अर्थात जाहिरात। तो कहानी लेखन लगभग हमें लिखने की नहीं कोशिश करनी है क्योंकि उसमें लिखना अधिक होता है। स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र में हमें 2 प्रश्न आएंगे, गद्य आकलन अथवा विज्ञापन अथवा कहानी लेखन अथवा विज्ञापन। तो हमें तय उचित निर्णय हमें लेना है कि कम से कम हम क्या लिखना है। तो विज्ञापन लेखन बहुत कम होता है, लगभग 50-60 शब्द में विज्ञापन करना होता है। गद्य आकलन भी आसान सा विषय होता है, मात्र 4 प्रश्न हमें तैयार करने होते हैं। प्रश्न चिन्ह होना गद्य आकलन के लिए आवश्यक रहेगा। गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दो, इसके लिए सीख लिखो ऐसा प्रश्न कतई तैयार नहीं करना है। अगर हम गद्य आकलन में ऐसे प्रश्न तैयार करते हैं तो अंकों की कटौती होती है। क्रमवारी लगभग हम प्रश्न तैयार करें, पहली पंक्ति का पहला प्रश्न, दूसरी पंक्ति का दूसरा प्रश्न, इसी तरह से हम तैयार करें। इसके लिए हमें समय देना है 20 मिनट। यहाँ दो कोई भी प्रश्न रहेंगे, उनमें से कोई एक हल करना है 4 अंक के लिए। तीसरा है निबंध लेखन, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 विषय रहेंगे और दोनों में से कोई एक निबंध लेखन हमें करना है। निबंध लेखन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अधिकतर आत्मकथन निबंध अगर हम लिखते हैं तो वो ज्यादा भावुक, हम बहुत अगर किसी के सुख दुख में बहुत ही हिस्सेदार होते हैं, बहुत दूसरे का दुख हम सहन नहीं करते, ऐसे भावनाएं हमें है, संवेदनाएं हमें बहुत है, तो निश्चित तौर पर ये लेखन हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर संक्षिप्त में बता दूं, गुलाब के फूल की आत्मकथा। तो जी हाँ, मैं खिलखिलाता गुलाब का फूल हूँ, एक कली के रूप में, जैसे ही बचपन में मैं कली के रूप में था, धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, मैं परोपकारी हूँ, मुझसे गुलकंद बनता है, मैं सभी को सुगंध देने का काम करता हूँ और मुझसे आपको एक सीख लेनी है कि मैं कांटों में ही कितना खिला हुआ रहता हूँ, कांटों से जैसे ही मुझे अलग निकाला मैं मुरझा जाता हूँ। आप भी जीवन में ये ध्यान रखो, सुख के साथ ही सुख की जिंदगी बहुत अच्छी सुहावनी लगती है। मैं शव पर भी, भगवान पर भी मुझे चढ़ाते हैं, कोई सुंदरी बालों में लगाती है,
पर मुझे दुख जब होता है जब मैं भ्रष्ट अधिकारी के गले में पड़ता हूँ, जब मुझे रोन कर तुम चलते हैं तो मुझे कैसे लगता होगा। जब इस तरह से हम विचार करेंगे कि आत्मकथन निबंध लिखने में वो हमसे बोल रहा है, इस तरह से लिखना है। यह वो लोकवाणी का पूर्ण 10 मिनट हम जवाब पत्र जांचने के लिए दे रहे हैं। अब लोक भारती के लिए बिल्कुल संक्षिप्त में कहना चाहूंगी, अभी हम विचार कर रहे हैं हिंदी लोक भारती द्वितीय भाषा, हिंदी द्वितीय भाषा लोक भारती का हम विचार कर रहे हैं। इसके लिए अब 80 अंक का यह प्रश्न पत्र रहेगा, 20 अंक की मौखिक परीक्षा। दोनों मौखिक परीक्षा के बारे में मैं एक साथ बताना चाहूंगी, लोकवाणी भी और लोक भारती की। पहले हम लिखित रूप में देख ले, गद्य जो है 20 अंक के लिए गद्य होता है, 8 अंक के लिए एक गद्य, पठित गद्य यह रहेगा 8 अंक का। दूसरा जो है गद्य खंड वो पठित गद्य खंड ही रहेगा 130-150 शब्द में, और 4 अंक के लिए तीसरा गद्य खंड और पठित गद्यांश रहेगा 80-100 शब्दों में। तो ये 8, 8 और 4 20 अंक का यह गद्य खंड है। उसके पश्चात पद्य जो है, अब अंकों का विभाजन, ये समय का विभाजन जो है, जैसे लोकवाणी का हमने किया है उसी तरह से यह हम 3 घंटे का करना है। जैसे 20 अंक के लिए तो लगभग 25-30 मिनट में हमें उतना पूर्ण करना है। 12 अंक का पद्य है, 6 अंक के लिए 2 पद्य रहेंगे, 8-10 पंक्तियां, और इनमें जैसे लोकवाणी में प्रश्न होते हैं कि इसका सरल अर्थ लिखो, उसी तरह से रहेगा, या स्वमत पद्य में नहीं रहेगा। पूरक पठन 8 अंक के लिए यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि गद्य और पद्य में जैसे प्रश्न पत्र में गद्य खंड दिया जाता है, पद्य भी खंड दिया जाता है, पूरक पठन में वो हमारे सामने नहीं रहता, हमें उसकी तैयारी घर पर करनी है, और 4-4 अंक के लिए 2 पूरक पठन प्रश्न है वो हल करने, 2-2 अंक में 2 प्रश्न, इस तरह से पूरक पठन रहेगा। अब व्याकरण जो है 14 अंक का, वह 14 में से 14 अंक हमें कैसे प्राप्त हो, इसकी तो बिल्कुल हमें कोशिश करनी है। बिल्कुल कृति पत्र में बिल्कुल डरने की बात होती नहीं, बड़ा आसान सा, ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए ही यह है। तो इसमें शब्द भेद 1 अंक के लिए जो है वो विकारी शब्द, अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये पहचाना, जो कि हम 5वीं से लेकर पढ़ते आए हैं, और 10वीं तक वह 1 अंक के लिए ही पूछा जाएगा। यहाँ पर भी अव्यय 1 अंक के लिए जो है वह वाक्य पहचानना यहाँ पर भी नहीं होता, अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और एक बात ध्यान रखनी है कि अव्यय का वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तब उस अव्यय शब्द को अधोरेखित करना जरूरी रहेगा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए। संधि के लिए भी वही बात जो लोकवाणी में मैंने स्पष्ट कही, सहायक क्रिया यहाँ नया आया हुआ है, सहायक क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया को सहाय करने वाली जो क्रिया है, जैसे उदाहरण के तौर पर वह पेड़ पर जा बैठा, जा मुख्य क्रिया है, बैठा सहायक है, तो हमें वह सहायक क्रिया पहचान कर लिखनी है और उसका मूल रूप लिखना है बैठना, यह 1 अंक के लिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, बैठना बैठाना बिठवाना, चलना चलाना चलवाना, 1 अंक के लिए। मुहावरे का चयन तथा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग है, मैंने यहाँ पर अर्थ लिखकर नहीं लिखा, पर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग रहेगा, 1 अंक के लिए। तो यहाँ पर भी मैं वही कहूंगी लोकवाणी जैसे, मुहावरे का चयन या घोषणा देखना है, वह हल करना है। कारक की भक्ति भी 7वीं 8वीं से लेकर हमने पढ़े, जो 8वीं के भेद है कर्ता कारक कर्म कारक, उसकी तैयारी 1 अंक के लिए। विराम चिन्ह भी पहचाना है, वाक्य में लगाना है, 1 अंक के लिए। काल परिवर्तन वैसे ही 2 अंक के लिए, एक काल का भेद पहचानना और दूसरा काल के लिए रहेगा, परिवर्तन कर कर लिखना। वाक्य के भेद लोकवाणी जैसे ही रचना के अनुसार 1 अंक के लिए और अर्थ के लिए, अर्थ के अनुसार 1 अंक के लिए, और वाक्य शुद्ध कर कर, वाक्य शुद्ध वचन और कारक इनमें रहती है,
उन्हीं अशुद्धियों को और ध्यान देना है और दो अंक वो हमें प्राप्त मिले हो गए। अब अगला जो है प्रश्न पांचवा रचना विभाग 26 अंक का है, तो इसमें प्रश्न पांच और एक में लोकवाणी जैसे ही औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, यहाँ पर भी आप दोनों में से औपचारिक ही हल किए, तो अच्छा मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ कि यह थोड़ा कम लिखना होता है, पांच में से बिल्कुल चार यहाँ आसानी से मिलेंगे। उस प्रश्न पांच और दो में गद्य आकलन, चार प्रश्न हमें तैयार करने हैं, जवाब इसके लिखना अपेक्षित नहीं होते, अर्थात आप जवाब भी लिखते हो तो अंक की कमी नहीं होगी पर समय आपका जाएगा, इसलिए जो प्रश्न पत्र में गद्य खंड में दिया है सिर्फ उनमें से चार प्रश्नों को हमें तैयार करना है। गद्य खंड 100 से 120 शब्दों तक, वहां चार में से चार अंक मिलने ही चाहिए, बिल्कुल अंक कम नहीं हो, प्रश्न चिन्ह देना वहां जरूरी रहेगा। प्रश्न पांच आ एक में वृत्तांत लेखन अथवा कहानी लेखन 5 अंक के लिए, तो यहाँ भी मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि कहानी लेखन से अगर वृत्तांत लेखन आप करते हो तो पहले परिच्छेद में जैसे स्थल काल घटना का वर्णन होता है, फिर दीप प्रज्वलन किया, ईश स्तवन पेश किया, स्वागत गीत किया, ये सारे क्रम अनुसार लिखना थोड़ा होता है, कहानी लेखन जितना नहीं होता, ज्यादा विचार करने की वहाँ आवश्यकता भी नहीं होती, पर जैसे आपकी इच्छा हो, अगर आपकी तैयारी कहानी लेखन की हुई है तो कोई बात नहीं। आ दो में विज्ञापन लेखन, यहाँ छात्र जो है स्केच पेन से अलग अलग कलम से विज्ञापन करते हैं, तो वैसे ना कीजिए, लाल साइड की कलम इस्तेमाल ना कीजिए, लगभग आप अलग आकार कर सकते हो, अपने जो नीली साइड की कलम उनमें उसमें से विज्ञापन आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आप चित्र निकालते हो तो चल सकता है, वह 5 में से 5 अंक आपको मिलेंगे। और प्रश्न 5E जो है 3 विषय निबंध के रहेंगे, 3 में से 1 विषय पर 80 से 100 शब्दों में हमें निबंध लिखना है 7 अंक के लिए, यह है 26 अंक रचना विभाग अर्थात उपयोजित लेखन के लिए। और इसके पहले ही मैंने ये जो पाठ्यक्रम कौन सा कब हुआ है यह स्पष्ट किया हुआ है कि पहली इकाई का जो है पहला, पांचवा और सातवा, और दूसरी इकाई का तीसरा और आठवां, यह 25% पाठ्यक्रम जो कम हुआ है यह का है। अब मैं मौखिक परीक्षा के बारे में आपको कहना चाहूंगी, मौखिक परीक्षा 10 अंक के लिए, 10 अंक के लिए जो रहती है वो स्वाध्याय 1 लिखना होता है, 5 अंक गद्य पद्य व्याकरण रचना विभाग किसी भी विभाग पर यह 1 स्वाध्याय, श्रवण कौशल 3 अंक के लिए, उनमें कौन कौन से कि 2 वाक्य अध्यापक बोलते हैं वो सुनकर लिखना है, अर्थात वह वर्तनी की गद्या न हो, 6 शब्द सुनाए जाएंगे वो लिखना है, या फिर गद्या सुनाकर 3 प्रश्न वो आपको कविता सुनाना, अध्यापक कविता सुनाएंगे उनमें से जो 3 प्रश्न पूछेंगे उनके जवाब देना, ये 3 अंक के लिए। भाषण कौशल 2 अंक के लिए, जैसे आपने पढ़ी हुई पुस्तक का नाम कहो, उसका संक्षेप में आशय कहो, आपका प्रिय खिलाड़ी कौन है उनके बारे में, ऐसे 10 अंक के लिए। और इससे 2 स्वाध्याय रहेंगे हिंदी लोक भारती के लिए जो है, यहाँ पर जैसे 1 स्वाध्याय है तो वहां 2 स्वाध्याय रहेंगे 10 अंक के लिए, श्रवण कौशल भाषण कौशल, इस हिसाब से वो मौखिक परीक्षा रहेगी। आताच मॅडम आपण विद्यार्थ्यांना लोकवाणी आणि लोकभारती या संदर्भात जे मार्गदर्शन केलेलं आहे की साधारणतः प्रश्नाचा प्रकार किंवा त्याला लागणारे जे काही मिनिट आहेत आणि विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष द्यावयाचा जो वेळ आहे या अनुषंगाने आपण अगदी सखोल मार्गदर्शन केलेलं आहे। फक्त आता इथे मला एक प्रश्न असा आहे की लोकवाणी आणि लोकभारती हे 2 भाग वेगळे आहे की अर्ध संस्कृत ज्यांना आहे त्यांच्यासाठी तो भाग आहे? हे जे आहे ज्यांनी 40 मार्काचं संस्कृत घेतलं आहे त्यांच्यासाठी लोकवाणी, 40 गुणांचं हिंदी लोकवाणी हिंदी संयुक्त आणि 40 गुणांचं हिंदी संस्कृत, 40 40 80 आणि 20 गुणांची तोंडी, आणि ज्यांचं हिंदी संपूर्ण 80 गुणांचा पेपर ज्यांचा आहे ज्या विद्यार्थ्यांचा त्यांच्यासाठी लोकभारती
आणि हिंदी आणि संस्कृत 44 गुणांचं ज्यांच्यासाठी लोकवाणी हा विषय आहे. आणि मग आता हा झाला मराठी मीडियमच्या अनुषंगाने, परंतु मग इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनाही सेम पॅटर्न आहे का की वेगळं त्यांच्यासाठी पॅटर्न आहे किंवा सिलेबस? इंग्रजी माध्यमासाठी द्वितीय भाषा हिंदी जी आहे ही सारखी आहे. जसं मराठी मात्र इकडे जे आहे आपलं मराठी माध्यमचं हायर असतं आणि इंग्लिश मीडियमचं जे आहे लोअर आहे, तिथे इंग्रजी हायर असतं आणि लोअर असतं. पण ही द्वितीय भाषा हिंदी आहे हे इंग्रजी माध्यम आणि मराठी माध्यम दोघांनाही पुस्तक एकसारखं असतं, सिलेबस सारखा आहे. बरोबर, म्हणजे एकूणच आपल्या इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनाही एक छान मार्गदर्शन आपण त्याच्यातून दिलेलं आहे. कारण शेवटी हिंदी म्हणजे भाषा कुठलीही असो, हिंदी असो मराठी असो इंग्रजी असो, थोडं शुद्ध लेखनाकडे लक्ष देणं अतिशय गरजेचं आहे. म्हणजे इथे तुमच्या काना मात्रा वेलांटी जरा चुकीची जरी दिली गेली तरी सुद्धा शब्दाचा अर्थ हा बदलतो आहे, आणि म्हणून ह्या साधारणतः शुद्ध लेखनाच्या ज्या चुका आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी कशा टाळायच्या आहेत याबद्दल जरा मार्गदर्शन करा. शुद्ध लेखनाच्या चुका टाळण्यासाठी पुस्तक हा एकमेव आधार, कारण मुलं आजकाल जे आहे गाईड नवनीत खूप प्रकाशनं आई वडील दहावीला आहे म्हणजे मी काय आणून देऊ आणि काय नाही असं जे करतात, तर माझ्या दृष्टीने भाषा विषयासाठी पुस्तकासारखं दुसरं कुठलंही माध्यम नाही. पुस्तकाचा जेवढा आपण जास्तीत जास्त वापर करू, वाचन जेवढं जास्तीत जास्त करू, नक्कीच शुद्ध लेखनाच्या चुका त्यातनं कमी होतील. पुस्तकाचा वापर जास्त करावा. बरोबर, म्हणजे जे आपल्याला पाठ्यपुस्तक जे नेमून दिलेलं आहे ते जरा बारकाईने निरीक्षण जर विद्यार्थ्यांनी केलं वाचन करत असताना, तर मला वाटतं बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्या टाळतील ते आणि चांगलं लिखाण ते करू शकतील. आणि जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की पूर्वी भाषेमध्ये पैकीच्या पैकी मार्क जनरली मिळत नाही, परंतु आता ही कृतीपत्रिका अशा पद्धतीची आहे की एखाद दोन मार्क इकडे तिकडे होतात, म्हणजे अबव तो 98-99 पर्यंत सुद्धा पोहोचू शकतो आहे. म्हणजे विद्यार्थ्याने किती काळजीपूर्वक लक्ष देणं गरजेचं आहे की जेणेकरून आपला एकही मार्क जो आहे तो कुठेही जाणार नाहीये. खरंच मॅडम तुम्ही खूप सखोल मार्गदर्शन याचे काही विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे. आता मला असं विचारायचं आहे की याच अनुषंगाने थोडस वेळेचं नियोजनाबाबतही आपण बोललेलो आहात, परंतु बऱ्याच वेळेला काय होतं की विद्यार्थी एक प्रश्न कुठला तरी घेतो, मध्ये दुसरा सोडतो, पुन्हा तिसरा कुठला तरी लिहितो, तर साधारणतः त्याने प्रश्नपत्रिका आपल्या हातात मिळाल्यानंतर आणि उत्तरपत्रिका हातात मिळाल्यानंतर काय प्लॅनिंग करणे त्याने गरजेचं आहे? बरोबर आहे, खूप छान प्रश्न विचारला मॅडम. कारण मुलं प्रश्नपत्रिका हातात आल्यानंतर जो सोपा आहे तो लिहू, तो अर्धवट सोडून द्यायचा, परत पुढचा द्यायचा. तर मला असं वाटतं की मुलांनी असं न करता, विद्यार्थ्यांनी असं न करता प्रश्नपत्रिका हातात आल्यानंतर पहिला प्रश्न कृती क्रमांक एक अगर लिखा आहे, उसका अ लिखा आहे, उसके नीचे ही आ ई क्रमानुसार ही अगर लिखा, तो जाचने वाले अध्यापक पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये छात्र जो है ना साधारण बुद्धि का नहीं है, ये कुशल है, इसके लिए साधारण आसान कठिन कोई नहीं है. इसके सामने बस प्रश्न पत्र आ गया, इसने लिखना शुरू किया पहले से लेकर तो आखिरी तक, इसके लिए कोई आसान नहीं है, कोई कठिन नहीं है. तो क्रमानुसार ही अगर लिखे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, अच्छा रहेगा. हाँ, इतना है, मान लो पहला प्रश्न लिखते वक्त अगर ई का कुछ मद्दा रह गया है तो अपनी जगह छोड़ देनी, आगे दूसरे पढ़ने पर दूसरा प्रश्न लिखा है जब याद आया कि अरे ये हमारा रह गया था, या 10 मिनट का समय जो हमने जवाब पत्र जांचने के लिए दिया है तब भी हम वो लिख सकते हैं. कारण शेवटी सादरीकरण जे आहे लिखाणाचं हे अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणजे कुठेही विस्कळीतपणा असला किंवा शेवटी प्राध्यापकाला असं वाटतं की म्हणजे मार्क द्यायची इच्छा असूनही कदाचित ते कुठेतरी ऑटोमॅटिकली कमी देणं होतं किंवा कंटाळा येतो, एक प्रश्न एका पानावर दुसरा प्रश्न शेवटच्या पानावर कुठेतरी असेल, तर एकत्र मार्कांची बेरीज करताना सुद्धा चुकू शकते आहे आणि इथे विद्यार्थ्याचंच नुकसान होण्याची शक्यता आहे असंही होऊ शकते. कारण शेवटी ते नजर चुकीने होणार आहे, कारण शेवटी प्रत्येक प्राध्यापक आणि त्याची मानसिकता जी आहे, तपासण्याची जी मानसिकता आहे ती थोडी जरी खराब झाली
की साहजिकच ते कुठेतरी त्या विद्यार्थ्याच्या गुणांकावर सुद्धा परिणाम होतो आहे. म्हणजे विद्यार्थ्याने ह्या बाबी लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे की आपण हातात प्रश्नपत्रिका पडल्यानंतर त्याचं व्यवस्थितशीर वाचन करू आणि मगच त्याचं स्पेसिंग वगैरे कसं द्यायचं आहे याचं नियोजन जर केलं तर मला असं वाटतं की विद्यार्थी हा चांगल्या गुणांनी पास होईल असं म्हणायला हरकत नाही. बरोबर. साधारणतः आपण पालकांना काय सांगू इच्छिता की विद्यार्थ्यांनी ह्या परीक्षेची तयारी जी आहे म्हणजे 10वीची परीक्षा आपण म्हणूया की नुसताच हिंदीचा भाग नव्हे तर एकूणच विद्यार्थ्याने परीक्षेला सामोरं जाताना कोणती काळजी घ्यावी असं आपल्याला वाटतं? पालकांसाठी खूप महत्वाची भूमिका असते. आपला पाल्य जो आहे 10वी 12वी त्याचा खूप भाऊ करणं, तू हे करू नको ते करू नकोस, तर मला वाटतं 5वी ते 9वी पर्यंत जसं त्याला अगदी खूप साधं साधं जसं ठेवलंय ना तसंच 10वीला ठेवायला हवं. खूप भाऊ न करता की तुला हे क्लास लावू देऊ, एवढ्या प्रकाशनाची ही पुस्तकं आणू, अगदी काही न करता पाठ्यपुस्तक हा बेस ठेवून हे बेसिक ठेवून आणि त्याच्या आहाराकडे फक्त लक्ष, योगा विपश्यना आहे, ध्यान धारणा आहे, हे पालकांनीही त्यांच्या बरोबर करायला हवं. फक्त तू हे कर तूच करायला हवं असं न करता तुम्ही स्वतः उठा आणि कुटुंबाने सुद्धा सोबत हे सगळं जर केलं तर त्याला ती जी सवय लागेल 10वीपासूनच आणि पुढे उच्च शिक्षणासाठीही नक्कीच त्याला ते खूप फायद्याचं होईल असं मला वाटतं. बरोबर. म्हणजे एक छान तुम्ही मोलाचा संदेश असा दिलेला आहे की आपल्या विद्यार्थ्याची क्षमता ही ओळखूनच पालकांनी पण अपेक्षा व्यक्त करणं गरजेचं आहे. कारण त्याची तेवढी क्षमता नसेल तर निश्चितच पालक आणि विद्यार्थी आणि घेणारं शिक्षण जे आहे किंवा तो 10वीत आहे तर त्या शिक्षणामध्ये कुठेतरी दरी निर्माण होते आणि मग कदाचित तो मुलगा जो आहे किंवा ती मुलगी जी आहे त्या शिक्षणापासून दूर जायला लागते. असं न करता पालकांनी थोडस विद्यार्थ्यांच्या कलेने जर घेतलं आणि भारंभार प्रकाशनाची पुस्तकं वाचण्यापेक्षा आपली शालेय पाठ्यपुस्तकं सुद्धा खूप काही देऊन जाणारी आहेत त्याचा जर त्यांनी बारकाईने मला वाटतं अभ्यास जर केला आणि थोडं नियोजन जर केलं तर यश हे परीक्षेमध्ये त्यांना निश्चितच मिळेल. आज आपण मॅडम ह्या कार्यक्रमात येऊन मॅडम पालकांबद्दल दुसरं एक मला आवर्जून सांगावं लागेल वाटतंय की बरोबरी करणं जी आहे शेजारचा बघ किती वेळ अभ्यास करतो त्याला बघ किती टक्के पडते. आपलं मुलगा हे आपलं बाळ आहे, आपलं पाल्य आहे, बरोबरी कुणाची न करता त्याची क्षमता ओळखूनच तो जे करतो ते खूप छान करतय असं या पद्धतीने पालकांनी बघायला हवं. बरोबर. निश्चित मॅडम. आपण आजच्या कार्यक्रमामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरं जात असताना ज्या काही अडचणी येत असतात त्या अडचणी दूर करण्यासाठी तुम्ही इतकं सुटसुटीत मार्गदर्शन केलेलं आहे की प्रश्न प्रकारानुसार जे काही योग्य पद्धतीने त्याने लिखाण करणं गरजेचं आहे त्याबद्दल अतिशय सुंदर मार्गदर्शन आपण या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केलेलं आहे. आपण बहुमूल्य वेळ दिला आणि विद्यार्थ्यांना एक प्रेरणा देण्याचं काम केलेलं आहे. पालकांना सुद्धा याच्यातून एक वेगळी दिशा मिळणार आहे आणि काही शिक्षकांना सुद्धा याच्यातून एक वेगळं मार्गदर्शन होणार आहे. कदाचित मार्गदर्शन करताना कुठेतरी जर कमी जास्तपणा झाला असेल तर आजच्या आपल्या संभाषणातून, कारण शेवटी गप्पांच्या माध्यमातून आपण जो हा कार्यक्रम इथे घेत आहोत, तर पालकांना शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना एक आपल्यासं वाटेल आणि माझ्या जवळची मैत्रीण मला काहीतरी सांगते आहे अशा आपुलकीने निश्चितच याकडे बघतील आणि हा संदेश समाजापर्यंत चांगला जाईल. आपण वेळ दिलात त्याबद्दल मॅडम खूप खूप धन्यवाद. मैडम आवा के लिए ना कोई शब्दों का भार है ना कोई लफ्जों का साज है, बस आपके इस कार्य के सामने तो हमारा झुकना यही आपका ताज है मैडम. थैंक यू मैडम. आताच आपल्याला पोस्टवाल मॅडमने हिंदी विषय जो आहे म्हणजे संपूर्ण हिंदी विषयाचे विद्यार्थी असतील किंवा संयुक्त हिंदी घेणारे जे विद्यार्थी असतील या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी कशी करायची आहे याबद्दल सखोल मार्गदर्शन केलेलं आहे. एकूणच त्यांनी परीक्षेचा जो पॅटर्न आहे किंवा प्रश्नांचं स्वरूप जे काही आहे म्हणजे प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारले जाणारे जे काही प्रश्नांचे प्रकार आहेत याबद्दल कशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी उत्तराची मांडणी करायची आहे यासाठी खूपच छान असं मार्गदर्शन मॅडमने आपल्याला केलेलं आहे. आणि शिवाय पालकांना सुद्धा त्यांनी एक मोलाचा संदेश जो दिलेला आहे की कुठल्याही प्रकारची खूप प्रकाशनांची पुस्तकं मुलांना न देता त्यांनी आपलं पाठ्यपुस्तक जरी चांगल्या पद्धतीने हाताळलं तरी सुद्धा विद्यार्थी हा चांगल्या पद्धतीने स्कोअर करू शकतो आहे आणि शक्यतो
विद्यार्थ्याने सुद्धा ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत की खूप काही वाचन केलं म्हणजे खूप काही लिखाण येतं असं नाहीये. व्यवस्थिशीर वाचा, मोजका वाचा आणि पॉइंट म्हणजे थ्रू द पॉइंट जे आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. मुद्देसूदपणा जर तुमच्या लिखाणात असेल, वाचनात जर असेल, तर हिंदीसारख्या विषयात सुद्धा आउट ऑफ आउट मार्क्स आपण मिळवू शकतो आहे. इतकं छान मार्गदर्शन मॅडमने आत्ताच आपल्याला केलेलं आहे. पुढील भागात पुन्हा आपण नवीन विषयासोबत भेटूयात. तोपर्यंत मित्रांनो धन्यवाद.